योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से अपराधियों की नींद उड़ी है। अपराधियों में अब सीएम योगी का खौफ इस कदर छाया है कि सैकड़ों अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और जो बच गए उन्होंने जेल जाने में ही अपनी भलाई समझी। क्राइम के लिए कुख्यात पश्चिमी यूपी के अपराधियों ने तो आत्मसमर्पण कर जेल भेजने की गुहार तक लगा डाली। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को सत्ता संभाले 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश का शासन संभाला है तब से प्रदेश के अपराधियों के लिए यूपी पुलिस ने स्पेशल अभियान ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। ऑपरेशन क्लीन के बारे में मेरा कहना यह है कि योगी सरकार का काम बहुत अच्छा है और उसमें मैं योगी सरकार को 10 में 10 नंबर देना चाहूँगा। पहली बार हमको ऐसा लगा कि जो यूपी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन क्लीन को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है वो अभी तक हमको किसी भी गवर्नमेंट में ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिली। इस अभियान के तहत यूपी पुलिस ने अब तक 6,126 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, 122 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है, जबकि 2,293 से ज्यादा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। योगी जी ने जो भी कदम उठाए हैं जनता के प्रति और अपराध को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाया है वो अच्छा कदम उठाया है। और जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है ये कितना सही है? 101% सही है। ये ऐसा होना चाहिए, अपराध जगत बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो भी लिस्ट जारी की अपराधियों की उन्होंने सूची जो बनाई है बहुत अच्छी सूची बनाई है, इससे अपराध कम होगा, क्राइम कम होगा और जनता के बीच में अच्छी खुशी का माहौल होगा। बदमाशों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर ऐसा पड़ा है कि बदमाश जेल के भीतर ही अपनी जान सुरक्षित समझ रहे हैं। योगी के यूपी का राजदंड संभालने के बाद शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश में हर 12 घंटे में एक एनकाउंटर हुआ करता था। सीएम पद की शपथ लेने के फौरन बाद राज्यवासियों के नाम पहले संबोधन में सीएम योगी ने कहा था कि जो अपराधी हैं या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर उनकी जगह जेल में हो। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी हो, ज्यादती, जुल्म और अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले कई बार गोरखपुर के सांसद रहे और जो पार्लियामेंट में वो बोलते थे तो हमेशा उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, नक्सलाइट्स के खिलाफ हमेशा उनका रुख बड़ा साफ था कि वे इनके नेस्त नामूद करना चाहते हैं, अपराधियों को, इन सबको, नक्सलाइट और साथी अपराधियों को। और 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो वो जो उनकी विचारधारा थी जो पार्लियामेंट में कहते थे उनको मूर्त रूप में लाने का मौका उत्तर प्रदेश में मिला। और जब से वो आए हैं तो अपराधियों में एक उनके चेहरे को देख करके खौफ है, एक वो संत हैं जहां वो भले लोग हैं, भले मानुष हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, जहां उनकी सुरक्षा को लेने के लिए वो सजग हैं। लेकिन बड़े अपराधी हों, जब शुरुआत हुई यहां के माफिया बड़े बड़े हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, बदन सिंह बत्तो हों और पश्चिम के दुजाना हों, जितने बड़े अपराधी, उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी। अब सीएम योगी के सख्त शासन के बीच अपराधियों की नींद उड़ी हुई है।
लोगों का कहना है कि जब योगी जी सांसद थे तब भी, और अब जब वो मुख्यमंत्री हैं तब योगी आदित्यनाथ हमेशा अपराध और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते रहेंगे।